सोसाइटी ऑफ मिशन 4G प्लस को गंगा गांव और गायत्री एवं संस्कार इंटरनेशनल स्कूल बद्रीपुर द्वारा संयुक्त रूप से वृहद कला एवं साहित्य संगम काव्य संध्या 2024 का आयोजन 1 अक्टूबर को किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं UK 24x7 न्यूज। आपको बता दें कि कार्यक्रम के संदर्भ में उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए संस्कार इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक अध्यक्ष शालीन सिंह, जिन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियल में लिखने के साथ साथ अभिनय में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है, जल्द ही इनकी कई प्रेरणादायक कविताएं और नारी शोषण जैसे ज्वलंत विषयों पर 445 पन्नों की पुस्तक भी प्रकाशित होने जा रही है। शालीन सिंह बताते हैं कि इस कार्यक्रम को उनके ताऊजी स्वर्गीय चौधरी सत्येंद्र सिंह को समर्पित किया गया है। बताते हैं कि संस्कार इंटरनेशनल स्कूल के स्तंभ रहे महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चौधरी सत्येंद्र सिंह की स्मृति में ही इस कला एवं साहित्य का संगम काव्य संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दोनों संस्थाओं द्वारा प्रतिवर्ष 7 साहित्यकारों एवं कलाकारों का चयन किया जाएगा, जिसके लिए बकायदा एक सेलेक्शन कमेटी का गठन भी किया गया है, जिसके अध्यक्ष शालीन सिंह होंगे। शालीन ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से चौधरी सत्येंद्र सिंह की स्मृति में संस्कार इंटरनेशनल द्वारा घोषित स्वतंत्रता सेनानी चौधरी सत्येंद्र सिंह कला एवं साहित्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन भट्ट सोसाइटी ऑफ मिशन 4G प्लस के संस्थापक सुभाष भट्ट और संस्कार इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक अध्यक्ष शालीन सिंह द्वारा संयुक्त रूप से ही किया जा रहा है। यह पुरस्कार पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड एवं पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को प्रदान किया जाएगा। इसमें साहित्यिक जगत के 7 वरिष्ठ साहित्यकारों को चयनित किया गया है। इसके अलावा काव्य संगम संध्या में उभरते हुए नवीन कवियों और साहित्यिक बुद्धिजीवियों द्वारा काव्य पाठ का आयोजन भी किया गया है। सोसाइटी ऑफ मिशन 4G प्लस को गो गंगा गांव और गायत्री के बारे में संस्था के अध्यक्ष सुभाष चंद्र ने बताया कि मिशन 4G प्लस गो गंगा गांव और गायत्री ने पूर्व में भी एक साहित्यिक संध्या का आयोजन संस्कार इंटरनेशनल स्कूल में हो चुका है। इस बार यह संध्या कुछ अलग होगी, क्योंकि इसमें एक महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम जुड़ा हुआ है। हमारी संस्था लगभग 8 वर्षों से सामाजिक सरोकारों से जुड़े जनहित के मुद्दों को लेकर कार्यक्रम करती है। इस अवसर पर डॉक्टर राकेश डंगवाल, राकेश उनियाल साहित्यकार, कालिका प्रसाद सेमवाल, अशोक खन्ना आदि लोग उपस्थित रहे। बड़ा दृष्टि पे कर रहे हैं, छोटे मोटे कार्यक्रम तो हम करते रहे। संस्कार इंटरनेशनल स्कूल की चौधरी सत्येंद्र सिंह जी की याद में कार्यक्रम करता रहा है, लेकिन इस बार हम बड़े पैमाने पे एक कार्यक्रम दून जनपद का उत्तराखंड में पूरे आपके सहयोग के, मीडिया जगत के सहयोग के बल पर एक साहित्यिक और कला जगत के लोगों को एक मंच प्रदान करने जा रहे हैं, जिसमें साहित्यिक जगत के 7 महान विभूतियों को हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं। वहीं हम जो काव्य पाठ में जो नवीन रचनाकार हैं, नवीन जो कवि हैं, एक तो नवीन कवि हैं और कुछ गिने चुने उसमें साहित्यिक जगत मिक्सअप टाइप का एक लोगों का मंच से सभी ऑडियंस को, सभी श्रोताओं को हम लोग काव्य पाठ के माध्यम से महान स्वतंत्रता सेनानी चौधरी सत्येंद्र सिंह जी को याद कर रहे हैं। और वहीं हम लोग उनकी याद में जो कि एक मुहिम चली हुई पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण की, तो हम कुछ पेड़ भी लगाने वाले हैं। हमारे बीच में जिनको अभी सुन रहे थे हम लोग वरिष्ठ साहित्यकार हैं डॉक्टर राकेश संगवाल जी, और उनके बगल में बैठे हैं हमारे इस कार्यक्रम को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं अशोक खन्ना जी, और हमारे बगल में बैठे हैं वरिष्ठ साहित्यकार कालिका प्रसाद सेमवाल जी, हमारे बीच में इंजीनियर राकेश उनियाल जी बैठे हैं और बीके सुंदरम जी हमारे साथी, और हमारे बीच में एक शख्सियत जिनकी वजह से थोड़ा सा विलंब हो गया, उनकी कार्य का क्षेत्र इतना विस्तारित है कि कोई ना कोई आपसे क्षमा भी मांगते हैं कि 10-15 मिनट हम विलंब से पहुंचे हैं, खैर इसके लिए आप क्षमा करेंगे हमें। हमारे बीच में जो इस कार्यक्रम की प्रेरणा के स्रोत हैं, जो जिनकी प्रेरणा से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों से लेकर कला जगत के क्षेत्र में भी नाम कमाया है, जो धारावाहिक वगैरह था उनमें भी शालीन सिंह जी उनका नाम है, एक व्यवसायी है और साहित्यिक जगत से और कला जगत से बहुत अटैचमेंट रहा है। इन्हीं के जो ताऊ जी हैं चौधरी सत्येंद्र सिंह जी, जो फ्रीडम फाइटर रहे और देहरादून जनपद में जिनका बड़ा नाम रहा है अपने समय में,
उसके बारे में विस्तार से शालीन सिंह जी ने बताएंगे और कुछ प्रेस नोट में हमने जानकारी आपसे साझा करने की कोशिश करिए। और हमारी संस्था मिशन 4G गौ गंगा गांव और गायत्री इस कार्यक्रम के आयोजक के रूप में अपना भूमिका निभा रही। गाँव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर। आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज़, खबर वही जो है सच सही।